नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूँ वैशाली। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के तिगरी गंगा धाम पर 28 जनवरी को पहुंचने वाली गंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट है और पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। इस यात्रा के बारे में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने बताया कि ये यात्रा गंगा को निर्मल, स्वच्छ और सुंदर बनाने के जन जागरण अभियान के लिए की जा रही है। जहाँ तक गंगा यात्रा का सवाल है, गंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें शुरुआत कर रहे हैं, वो यही है कि गंगा को पवित्र रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए, साफ रखा जाए। और जो अभी आपने बात कही कि प्रदूषण, वहाँ पर प्रदूषण जो है उसको ना डाला जाए, प्रदूषित पानी उसमें ना डाला जाए, ये एक लोगों को जो है जन जागरण की वजह से। बता दें कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट निर्मल गंगा स्वच्छ गंगा के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से 27 जनवरी को कर रहे हैं। इस गंगा यात्रा की शुरुआत बिजनौर जिले से होने के बाद ये यात्रा 28 जनवरी की दोपहर 1 बजे अमरोहा पहुंचेगी। अमरोहा के तिगरी गंगा धाम पर इस गंगा यात्रा का स्वागत जनसभा द्वारा किया जाएगा। इस गंगा यात्रा में अमरोहा के प्रभारी मंत्री विजय सिंह कश्यप और धनोरा विधानसभा के विधायक राजीव तरारा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये गंगा यात्रा ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरेगी और गंगा के किनारे बसे गांव में इस गंगा यात्रा के माध्यम से गंगा को निर्मल, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा सरकार की मुहिम के तहत प्रशासन ने गंगा के किनारे बसे गांव में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया था और अब ये सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब गंगा यात्रा के स्वागत का इंतजार प्रशासन और भाजपा के नेताओं को है। गंगा यात्रा से एक दिन पूर्व 27 जनवरी को तिगरी गंगा धाम पर शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के अधिकारी गंगा आरती करेंगे और अगले दिन गंगा यात्रा का स्वागत और जनसभा भी की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।